स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 41, फाइंड द ग्रुप. ओके, तो हमें यहाँ पर कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं और हमें इनके बारे में फूड आइटम्स बतानी है, जैसे कि सीरियल्स. सो सीरियल्स में आते हैं हमारे वीट, जिसे कहते हैं गेहूँ, राइस जिसे कहते हैं चावल, और मेज़. मेज़ होता है बच्चों जो मोटा अनाज होता है, जैसे ज्वार, बाजरा, जौ, ये सब होते हैं मेज़. ऑयल सीड्स मतलब जिन बीजों से तेल निकलता है, जैसे कि लिनसीड, ये होते हैं अलसी के जो बीज होते हैं. कोकोनट नारियल, ग्राउंडनट मूंगफली का तेल निकलता है, मूंगफली के बीज होते हैं ये. मस्टर्ड सरसों, सरसों का तेल निकलता है इनसे. फाइबर क्रॉप्स, वो फसलें जो फाइबर से बनी होती हैं, जैसे कॉटन, जूट और हेम्प. हेम्प भी बहुत हद तक जूट की तरह ही फाइबर होता है. तो चलिए आगे चलते हैं. स्पाइसेस, तो हमें यहाँ पर तीन मसालों के नाम देने हैं. पेपर मतलब मिर्च, टर्मरिक हल्दी, और क्यूमिन. क्यूमिन कहते हैं जीरा, जीरा होता है ना, उसे कहते हैं क्यूमिन. बेवरेजेस मतलब पीने वाली चीज़ें, तो कोकोआ, टी, कॉफ़ी. अब हमें यहाँ पर तीन फ्रूट्स के नाम बताने हैं. सो वी हैव बनाना, केला, ऑरेंज जिसे कहते हैं संतरा, और एप्पल जिसे कहते हैं सेब. एडिबल नट्स, खाने वाले जो नट्स होते हैं, कैश्यू नट, काजू, वॉलनट, अखरोट और आलमंड कहते हैं बादाम को. ठीक है बच्चों, तो अब आपके पास इन सारी चीज़ों के तीन तीन एग्जाम्पल्स हैं जिसे आपको लर्न करना है, और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.